देखो, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन को चालू करने का और इसको चलाने के पीछे कभी भी ये मकसद नहीं था कि हमारा जो स्टूडेंट है वो सिर्फ क्रीम लेयर स्टूडेंट हो। मैं हमेशा उनके लिए काम करना चाहता था जिनके लिए कोई सोचता नहीं है। 10% जो क्रीम लेयर स्टूडेंट है उनके लिए करने वाले बहुत है, और कोई अगर नहीं भी करेगा ना तो भी वो लोग कर लेते हैं। मेरा फोकस वो 90% लोग इंजीनियर्स के ऊपर था कि जिनको सेमेस्टर में बैक लगा है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल के क्या करूं, जिनको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास पोटेंशियल नहीं है। अगर पोटेंशियल नहीं है तो फिर वो इंजीनियर बनने के लायक भी नहीं है, तो उसके लिए तो सोचना भी नहीं है मुझको। मेरा फोकस शुरुआत से सिर्फ इस पे था कि जिनमें पोटेंशियल है बट ड्यू टू आवर एकेडमिक सिस्टम कि वो जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसते हैं और 4 साल जिस तरीके से हम इंजीनियरिंग सीखते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लेके निकलते हैं और जो स्किल लेके निकलते हैं, क्या उस चीज को हम दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अर्ली स्टेज में हमने भी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को आज के डेट पे सिखा सकता हूँ, ये एक दिन का तो ऐसा नहीं है, है ना? एंड हमारे टाइम पे हमको सिखाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि इस तरीके से आपका ना तो यूट्यूब था ना गूगल था ना, हम लोगों को वो ट्रेडिशनल लेक्चर्स और ये मोटा बीएल थेरेजा का किताब, उससे ज्यादा हमको कुछ समझ में नहीं आता। ए के सोनी का किताब था, विकेस बीएल थेरेजा का मोटा सा 104 वॉल्यूम वाला किताब अभी भी है मेरे पास, तो वही सबसे पढ़ते थे। आजकल चीजें काफी आसान हो गई है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत गूगल करो, एक से बढ़कर एक लेक्चरर्स के वीडियो मिल जाएंगे। मैं जो लेक्चर देता हूँ, मेरे से 1000 गुना अच्छा टीचर लेक्चरर प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मेरा फोकस कहाँ पे रहता है, मैं क्यों एक एक चीज को इतना बार रिपीट करता हूँ पता है? क्योंकि लेक्चर देना, आप एक लेक्चर को देखते हो यूट्यूब पे और उसको सीखना समझना, दोनों में अंतर होता है। शुरुआती चीजों में जब आप बार बार रगड़ते हो ना एक चीज को, तब जाके वो दिमाग पे सेट होता है। किताबों में चीजें नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है, हर एक चीज है। गूगल खोलो तो हर एक चीज है। रहना कहाँ पे चाहिए था? रहना था हमारे दिमाग में, हमको समझ में आना चाहिए था, वो एक एक छोटी छोटी बातें याद होना चाहिए था, जो नहीं होता है क्योंकि ना तो हम उतना एफोर्ट देते हैं और ना और कोई इतना एफोर्ट देता है। आप चीजों के फ्लो में चले जाते हो और चीजें याद करने की कोशिश नहीं करते हो। आप में से हार्डली कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे यहाँ पे जो शायद से काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनको मेरी बातें और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि जब हम फील्ड में एंटर करते हैं ना तब हमको पता चलता है कि अपना वैल्यू क्या है, अपना, या फिर मैं अगर और थोड़ा रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो अपना औकात क्या है। कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो और कोई एक टेक्निकल प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, तब जाके पता चलता है कि आप कितना टेक्निकल चीजें समझ सकते हो। जब तक आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप ट्रबल शूट नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि यार ऐसा होता है हमेशा कि फील्ड में काम करने वाले, देखोगे अगर 20 लोगों का एक टीम है ना, उस 20 लोगों में से हो सकता है सिर्फ 2 लोगों का सैलरी जो है वो 50+ है, और बाकी सब 10-15 हजार 20 हजार में बाकी सब हेड काउंट है। हो सकता है कि सारे के सारे आपके बीटेक डिप्लोमा इंजीनियर हैं, लेकिन उसमें से एक या दो का सैलरी होता है जो 50 के ऊपर है फील्ड में। ऐसा क्यों? लोगों को लगता है कि यार इसको क्यों दे रहा है मैनेजमेंट इतना पैसा, ये तो कुछ करता भी नहीं। बट डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पोटेंशियल है, क्योंकि मैनेजमेंट जो उसको पैसा ऑफर करता है वो बेवकूफ तो है नहीं कि ऐसे ही दे देगा उसको पैसा, या फिर आपसे तो कोई दुश्मनी है नहीं उसका कि आपको नहीं देना चाहता है। बट जब वो प्रॉब्लम आता है ना, तब समझ में आता है अच्छा ये प्रॉब्लम यही बंदा सॉल्व कर पाया, इसीलिए मैनेजमेंट इसको पैसा दे रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू?
यस सर, कि टेक्निकल चीजें एक रात में सीखी नहीं जाती है। आज इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए और टेक्निकल काम करते हुए मुझको 17+ ईयर्स हो गए हैं। मैंने आसाम से लेकर राजस्थान तक हर एक स्टेट पे काम किया है, बहुत सारे पावर प्लांट्स में काम किए हैं, बहुत सारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैं ट्रबल शूटिंग करता हूँ, फॉल्ट फाइंडिंग करता हूँ। जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो नजर आता है कि यार लड़के काम तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये टेक्निकल चीज सिर्फ सब्जेक्ट में लिमिटेड नहीं है, टेक्निकल चीजें आपके समझ में है, आप कैसे देखते हो चीजों को बस। और मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं आप लोगों को चीजें समझा सकूं कि देखो यार, एपीडीसीएल का नौकरी निकलेगा, 5,000 वैकेंसीज में से अगर टेक्निकल वैकेंसीज हम पकड़ भी लेते हैं, 500 वैकेंसीज निकलेगा, उससे भी कम निकलेगा, शायद से 300, 350 पोस्ट निकलेंगे। तो 300 लड़कों को जॉब मिलेगा। अगर टेक्निकल एस्पायरेंट्स देखते हो आप, तो वो लाखों में है। तो लाखों बच्चों के भीड़ में वो 300 में फोकस करके, अगर पकड़ लो मैंने इतना भी कर दिया कि वो 300 लड़कों जो पोजीशन निकलेगा, वो 300 के 300 हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें ग्रोथ मेरा है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें बाकी जो सोसाइटी का ग्रोथ मुझको नहीं नजर आ रहा है। हमारा जितना सारा एडुकेशन सिस्टम है, एडटेक कंपनीज है, कोचिंग सेंटर है, जो भी है, आप अगर देखोगे तो फोकस कहाँ पे होता है सबका, कि अच्छे स्टूडेंट्स ले जिसका परसेंटेज अच्छा है, और उस लेयर पे हम लोग हाईटेक लेक्चर देंगे तो रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 10 हो गया। तो ग्रोथ किसका हुआ? वो हमारा ग्रोथ है, कोचिंग सेंटर का, टीचर का, उसका ग्रोथ है, क्योंकि रैंक वन तो किसी ना किसी को तो आना ही था ना। तो फोकस मेरा वो है कि अगर आपको कल के डेट पे गवर्नमेंट जॉब ना मिले, तो आप टेक्निकली इतना साउंड रहो कि आपको कहीं ना कहीं पे एक अच्छा जॉब, एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। और आपको भी उस नजरिए से चीजों को देखना चाहिए कि आपका ग्रोथ कितना हो रहा है। सिर्फ एग्जाम पास करना इंटेंशन नहीं होना चाहिए टेक्निकल पे। एग्जाम पास करने के तरीके होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, आप बुलेट पॉइंट्स ले लो, हो जाता है, लेकिन टेक्निकल चीजें समझोगे तो लाइफ में स्टैंड कर पाओगे। इस बात को याद रखना, ठीक है? एम आई राइट और रॉन्ग बताओ, क्योंकि अच्छा कितने अभी भी, मैं कम से कम 150-200 बच्चे तो ग्रुप में है, व्हाट्सएप में है, टेलीग्राम पे है, बहुत सारे बच्चों से बात होती है, सब लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, सर नोटिफिकेशन आए। हर रोज कम से कम 20 बार तो मेरे को यह बताना पड़ता है कि एपीडीसीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा। दोस कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब जाके वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तब जाके वो अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे, वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पहले से तैयारी करेंगे तो बाद में जब एग्जाम आएगा तब तक हम भूल जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल चीजें जो है वो रट्टा मारने वाली चीजें हैं, कि आपको 50 तो कॉमन क्वेश्चंस देंगे, आप रट्टा मारोगे उसका और वहां पे जाओगे और उसी में से कॉमन आएगा, ऐसा होने वाला है ना। आज के डेट पे टेक्निकल, चाहे जूनियर मैनेजर रैंक पे हो, जूनियर इंजीनियर रैंक पे हो, या फिर असिस्टेंट मैनेजर बीटेक डिप्लोमा रैंक पे हो, सब में न्यूमेरिकल्स भरपूर आते हैं। और न्यूमेरिकल्स जब करना होता है ना, तो आपको चीजों का ज्ञान होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, रट्टा मार के टेक्निकल चीजें नहीं होने वाली, ठीक है? चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और क्या नाम था आपका? प्रियश्मिता ना, क्या था ना? प्रियश्मिता ना, सर हाँ। तो आपका एक सवाल था कि ये जो बैच है अगस्त से शुरू हुआ है ना, क्या है, मैंने मैसेज देखा था अभी। हाँ तो बैच जो है ना, बैच अगस्त से, यहाँ पे बहुत सारे मिक्स मिक्स है कि कुछ बच्चे बहुत पहले ज्वाइन किए हैं, कुछ
कुछ है जो एक साल से मेरे साथ है, अमला ने जो लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, है ना अमला, तो इसमें मिक्स है। आप लोगों का जो बैच शुरू हुआ है वो सितंबर से ही शुरू हुआ है, लेक्चर उसी हिसाब से चलेंगे और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस पुराने लेक्चर्स के भी मिलेंगे जो ऑलरेडी जी लेक्चर हो चुके हैं, क्योंकि वो सारा चीज फिर से वो रिपीट करना टाइम कंज्यूमिंग है। हम अपने सीक्वेंस पे चलेंगे, कुछ वीडियोस हम देते रहेंगे आप लोगों को दूसरे बैच का भी, ताकि आपका ग्रोथ बना रहे, ठीक है। आप सिक्वेंशियली उसको देखते रहो। अगस्त और फोल्डर बना हुआ है, जब आप लोग अपने बैच पे जाते हो ना, तो वहां पे अलग अलग से फोल्डर बना हुआ है। फोल्डर में आपका जो करंट बैच है सितंबर बैच, उसका अलग फोल्डर बनेगा, और जो अदर रिकॉर्डेड वीडियो, अदर बैच का रिकॉर्डेड वीडियो हम देंगे वो अलग फोल्डर में रहेगा, ठीक है। तो मिक्सअप नहीं करना है, उस हिसाब से चलना है। जब आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस देख सकते हो अगर, है ना। क्लियर, एम आई क्लियर प्रियश्मिता? यस ठीक है, तो आप आज पहला ज्वाइन किए हो, आप पुराने लेक्चर्स देख लेना। 4 दिन क्लास ओके होता है, मंडे टू थर्सडे क्लास होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपके हाथ में रहता है, जो आप अपना खुद का तैयारी कर सकते हो, उसमें एडिशनल वीडियोस देख सकते हो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है आप लोगों, ठीक जी सर। हाँ ठीक है सर। है। ओके जी, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, स्क्रीन इज विजिबल? तो यस कल किसी ने बोला था कि एक बार रिवाइज करा दे, पटक से कर लेते हैं। कल हमने यहाँ से शुरू किया था, है ना, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पता चल चुका है आप लोगों को कि करंट क्या होता है। 1 कूलम पर सेकंड चार्ज के फ्लो को करंट बोलते हैं। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम चार्ज का पास होना किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड पे। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू सर्टेन पॉइंट, तो वर्क डन बाय चार्ज मतलब 1 जूल पर कूलम। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, तो इसको हमने क्या लिखा था कि वर्क डन बाय चार्ज और चार्ज बाय टाइम, तो इसी से हमको मिल जाता है कि वर्क डन बाय कूलम अगर होता है, जूल पर कूलम वो होता है वोल्ट, और आपका कूलम पर सेकेंड हो जाता है अपना करंट, तो V इंटू I। और वहां पे हमने प्लेस किया था V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, तो हमको मिल गया आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। ये सारे के सारे हमारे पावर के रिलेशन है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन पावर के साथ। पावर में हमने देखा था कि एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, और अपेरेंट पावर होता है एसी एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट अगर है तो, क्योंकि वोल्टेज और करंट में टाइम लेगिंग होता है, या तो वोल्टेज लेग करेगा करंट से या फिर वोल्टेज लीड करेगा करंट से, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड। इंडक्टिव लोड क्या है कि किसी भी कॉइल को ले, किसी भी वायर को ले लो, उसको जब आप घुमा देते हो तो वो एक इंडक्टर बनता है, और किसी भी इंडक्टर में, किसी भी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते एक करंट बहती है जो ऑपोजिट होता है जो मेन करंट पास कर रहा हो उस सर्किट से, जिसके चलते क्या होता है कि टाइम लेग होता है वोल्टेज और करंट के बीच पे, और वो जो टाइम लेग हमको दिखने को मिलता है उसी टाइम लेग का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल फाई, और पावर फैक्टर को डिफाइन करते हैं कॉस फाई से। कॉस फाई मतलब क्या हो गया कि जो इन फेज कंपोनेंट होगा वोल्टेज के साथ, जो इन फेज कंपोनेंट होगा दैट विल बी योर पावर फैक्टर कंपोनेंट। तो आपका आई कॉस फाई जो होगा वो एक्टिव पावर हमको देगा, और एक्टिव पावर का जो यूनिट होगा वो वाट होगा, रिएक्टिव पावर का भार होगा, किलो भार हो सकता है, मेगा भार हो सकता है, और अपेरेंट पावर को हम बोलते हैं वोल्ट एम्पियर। तो जो वोल्ट मीटर में और ए मीटर में रीडिंग शो करता है
वो क्या दिखाएगा आपको, अपर एंड पावर दिखाएगा। ये सारी बातें हमने कर ली है ऑलरेडी। और फिर हमने एनर्जी देखी थी, एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम होता है, वाट सेकेंड होता है आपका एसआई यूनिट एनर्जी का, लेकिन बहुत छोटा यूनिट होता है वाट सेकेंड, तो हम लोग यूज करते हैं वाट आवर, किलो वाट आवर या फिर मेगावाट आवर। तो वाट आवर बोलने से हमको समझ में आता है एनर्जी, और वाट बोलने से हमको समझ में आता है पावर। वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना होता है बताओ? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 किलोवाट आवर, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1000 वाट आवर, है ना। मतलब अगर 1000 वाट का कोई लोड 1 घंटा चले तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट एनर्जी इज योर 1000 वाट आवर। एनर्जी और पावर के ऊपर हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और उसमें हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर मैं बोल दूं कि भाई 1000 वाट आवर इज कंज्यूम बाई ए लोड, सो व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लोड, कोई बता पाएगा? इफ एनी मशीन कंज्यूम्स 1000 वाट आवर, देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द मशीन? कौन बताएगा मुझको इसका जवाब? सर 1000 1000 वाट।1000 वाट। चलो 1000 वाट पे कौन कौन सहमत है, चैट पे डालो। यस हाँ प्रांजीत बोलो। भाई चैट में देख रहा हूँ, कोई चैट पे टाइप करने में सर सर क्वेश्चन भी। तो आगे ऑप्शन मैंने बोला कि 1000 वाट आवर एनर्जी इज कंज्यूम बाय ए मशीन, देन व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन? सर किमान সময় 1000 वाट आवर कंज्यूम কৰিছে তো জানিব লাগিব। সময়টো স্যার কিমান হয়নে? গুড, তো ওই জানা চাহতা থা জো লোক বল রহা হ্যায় না, ইয়েস ইয়েস, সব গলত। কিউ গলত? কিউকি হামনে বোলা কি এনার্জি কনজিউম বাই এনি মেশিন ইজ 1000 वाट আওয়ার, লেকিন ও 1000 वाट আওয়ার জো কনজাম্পশন হুয়া वो कितने टाइम पे हुआ, वो कहाँ बताया हम? तो जब तक आप समय नहीं बताओगे, तो एनर्जी का अगर आपको पता है कि 1000 वाट आवर हो या 5000 मेगावाट आवर हो, वो दैट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। क्यों इनकम्प्लीट स्टेटमेंट? कि ये 1000 वाट आवर हो सकता है कोई एक मशीन 1 घंटा में कंज्यूम कर रहा हो सकता है कोई मशीन है जो 10 घंटे में 1000 वाट आवर कंज्यूम कर रहा हो या फिर जनरेट कर रहा हो। अगर जनरेटर है तो 1000 वाट आवर जनरेट कर रहा होगा, अगर मोटर है तो 1000 वाट आवर कंज्यूम कर रहा होगा, या फिर लाइटिंग लोड है, कोई भी लोड है तो कंज्यूम कर रहा है। तो चाहे कंज्यूम करे या जनरेट करे, वो हो सकता है ना 1 घंटे में कर रहा हो, 1 सेकंड में कर रहा हो, 1 दिन में कर रहा हो, 1 साल में कर रहा हो। तो जब तक हमको टाइम का पता नहीं होगा, तो हम इसका पावर कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो जो भी एनर्जी होगा तो पावर विल बी इक्वल टू योर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी तो पता है लेकिन टाइम पता नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इस मशीन का पावर कितना हो। समझ में आया? लेकिन अगर किसी मशीन का मैं पावर बता दूं कि एक मशीन है जो 100 वाट का या फिर 1000 वाट का, मतलब 1 किलोवाट का एक मशीन है, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट का एक मशीन है,
तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो मैं बता सकता हूँ, है ना, कि ये एक घंटा अगर चलाएंगे तो फिर एक घंटे में ये वन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, मतलब 1000 वाट आवर कंजम्पशन होगा। एम आई क्लियर? यस सर। तो आप लोग पुराना जो भी लेक्चर हुआ है ना उसको रिपीट करो, रिपीट करके देखो, सब बता चुका हूँ मैं बहुत बार, और रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग पुराने वीडियोस देखते नहीं हो, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। और इस ये पूरे सेशन को ना लाइव होने से भी मेरा इंटेंशन वो रहता है कि मैं ऑफलाइन क्लास में जैसे आप लोगों से बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से करूँ, किसी का भी कोई भी डाउट होता है तो सॉल्व कर सके, है ना। तो चलो, पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट हमने देख लिया था, इसको फिर से करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेना, बहुत ही आसान चीज है। फिर हमने ग्राफ से कैसे हम निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट पैसिव होता है, एक्टिव होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और फिर हम शुरू किए थे नेटवर्क एनालिसिस, और नेटवर्क एनालिसिस में हमने बोला था कि यार कि कोई भी अगर एक सर्किट दिया हुआ है उसमें अगर हमसे ये पूछ ले कि कितना इक्वेशन चाहिए होगा, मिनिमम इक्वेशन कितना चाहिए होगा केवीएल से उस पर्टिकुलर नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, तो हमने रिलेशन देखा था। हाँ बोलो सर। ऊपर अपने जो है ऊपर नियोक्शन स्लाइड तो और वो हमने बोले तो यार यार माने सर टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट बोले रहा से जो है तो की वस्तु है बार टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। हाँ है तो हमने बुझा दिया पड़ी। श्योर श्योर आ रहा हूँ। तो नेटवर्क एनालिसिस में हमने क्या किया था कि हमने बोला था कि अगर कोई भी एक नेटवर्क दिया हुआ है हमको, उस नेटवर्क को सॉल्व करना है तो कितना इक्वेशन चाहिए होगा, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन, वो हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैश जितना है उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए अगर हम केवीएल से उस नेटवर्क को सॉल्व कर रहे हैं। और नंबर ऑफ मैश कैसे निकालेंगे, एम इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन फॉर्मूला यूज करेंगे। B is the number of branches, N is the number of nodes, और उसी से हमको मिल जाएगा कि mesh कितना होगा। हमने ये देखा था mesh मतलब क्या होता है कि loop contains no other loop inside, उसके अंदर और कोई loop नहीं होना चाहिए। और loop क्या है कि कोई भी एक closed circuit जिसमें repeat नहीं होना चाहिए आपका कोई भी element, तो इसको loop बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स को भी हमने निकाला था, कैसे निकाला था कि अगर हमको नंबर ऑफ मैश पता है तो हम नंबर ऑफ लूप्स निकाल सकते हैं, एम प्लस एम माइनस वन एम माइनस टू ऐसे करते हुए आप नंबर ऑफ लूप्स निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ मैश जितना होता है नंबर ऑफ इक्वेशन उतना ही लगता है केवीएल में, और नंबर ऑफ लूप मैश अगर पता है तो नंबर ऑफ लूप्स निकाल सकते हैं। फिर हमने नेटवर्क थ्योरम्स शुरू किया था और जिसमें हमने बोला था कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरम तो होता है ओम्स लॉ, कहीं पे भी लगाओ। ओम्स लॉ लगाने का तरीका क्या है, वो कहीं पे भी लगेगा कि अगर पोटेंशियल पता है दो एंड का, दो नोड का अगर मुझको पोटेंशियल पता है तो मैं करंट कितना फ्लो हो रहा है बोल सकता हूँ, अगर मुझको उसका रेजिस्टेंस पता है तो। अगर पोटेंशियल पता है और रेजिस्टेंस पता है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि करंट कितना फ्लो होगा। अगर मुझको करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। तो यही ओम्स लॉ कहता है, और ओम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है कब, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तब जाके वी इज प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। और हमने बोला था कि ये वी इज प्रोपोर्शनल टू आई जो है ये स्केलर फॉर्म है ओम्स लॉ का, तो वेक्टर फॉर्म जो होता है वो होता है करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट होता है आपका स्केलर और करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है वेक्टर। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने देखा था, है ना। ओम्स लॉ जब समझ में आ गया हमको तो हम डिस्कस कर रहे थे कि केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है कि किसी भी नोड पे जो करंट होगा
वो जीरो रहेगा क्योंकि इनकमिंग करंट जितना भी होगा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। कहीं पे भी करंट एक्युमुलेट नहीं हो सकता है। और क्या बताया था कि केवीएल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब हम लगाएंगे तो हमको साइन कन्वेंशन देखना चाहिए। और हमको पता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सम ऑफ आई आर प्लस जो भी जितना भी आपका ईएमएफ होगा सारा किसी भी एक लूप में वो जीरो रहेगा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। तो किसी भी पॉइंट से जब हम शुरू करेंगे और घूम के अगर उसी पॉइंट पे आते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम पॉइंट पे आ गए तो पोटेंशियल तो जीरो होना है, इसीलिए सम ऑफ आई आर प्लस ईएमएफ विल बी इक्वल टू जीरो। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, वहां पे कंफ्यूजन होता है बहुत। साइन कन्वेंशन आप आपके हिसाब से ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहे राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव मानो तो फॉल इन पोटेंशियल निगेटिव पकड़ना है, राइज इन पोटेंशियल को निगेटिव मानो तो फॉल इन पोटेंशियल को पॉजिटिव मानना है, ये आपके ऊपर है, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। हम लोग सीधा इससे लेके इसको लेके चल रहे हैं कि राइजिंग पोटेंशियल जब बढ़ रहा है पोटेंशियल उसको पॉजिटिव मान लेंगे और फॉलिंग पोटेंशियल जब आपका ड्रॉप हो रहा है तो उसको निगेटिव मान लेंगे। ये कम्प्लीटली हमारे सुविधा के अनुसार हम ले सकते हैं इसको, है ना। और फिर हमने एक प्रॉब्लम किया था और इसमें हमारा लास्ट में एक कंफ्यूजन आया कि किताब में क्या दिया हुआ था कि -3.25 आंसर है और हमारा रिजल्ट क्या निकला था +3.25। तो इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये माइनस और प्लस कैसे आ गया और क्यों आया, है ना। तो इस चीज को मैं आज आपका क्लियर करता हूँ कि एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो कॉपी कर लेता हूँ, यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो ये था हमारा कल का नेटवर्क, इसको साफ करते हैं। ये रहा। देखो किसी भी नेटवर्क को जब सॉल्व कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से होना चाहिए। आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, आपको जो भी पता है नेटवर्क के बारे में वो सारी बातें हम बताएंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आता है वो कॉन्सेप्ट लगाओ, वो सॉल्व होना चाहिए। हो सकता है कि आप जब लगाओगे थोड़ा लेंथी हो जाए, हो सकता है शॉर्टकट में हो जाए, उससे मतलब नहीं है, पहले प्रैक्टिस तो शुरू करो। तो यहाँ पे ये सवाल ये था कि VA माइनस वीबी ये कितना होगा, वो हमको निकालना था। और किताब में जो आंसर दिया हुआ था वो था माइनस और हमने निकाला था प्लस। कहाँ पे गलती हुआ मोदी वो देखते हैं। देखो ये जो नेटवर्क है यहाँ से हमने शुरू किया था वीए से, है ना, और वीबी पोटेंशियल हमने क्या लिख दिया था, हमने निकाला था, याद है ना कल का, हमने यहाँ से निकाला था कि ये जो लूप है इसमें से जो करंट पास करेगी वो इस डायरेक्शन में करंट पास करेगी, और क्योंकि बाकी जो सर्किट है उधर से करंट पास नहीं कर सकती है तो पूरा का पूरा करंट इस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से यहीं से पास करेगा, ठीक है। और अगर करंट ऐसा पास करता है तो ये आई जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 10/8 1.25। अगर ऐसा होता है तो ये 3 ओम पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ सी, इस नोट को नाम दे देता हूँ डी। तो वी ए और सी यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब इस 3 ओम रेजिस्टेंस जो ए और सी के बीच पे है, ये वाला रेजिस्टेंस, वहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आई हो जाएगा मेरा 1.25, आर होगा 3 ओम, तो ये आया था मेरा 3.75 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप कितना था 3.75 वोल्ट मिला।
हमको निकालना है वी ए और वी बी के बीच पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो ये तो पता है 8 वोल्ट हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा इस करंट पे जो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो वी बी और डी के बीच पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे तो वो होगा 3 × 5 मतलब 15 वोल्ट। एकदम रॉ लेवल पे काम कर रहा हूँ, देख लो कि 15 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, वो भी समझ गए हम। अब बात ये है कि ये करंट जब इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे ये हायर पोटेंशियल में होगा, ये लोअर पोटेंशियल में होगा। जब ये करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो ये वाला हायर पोटेंशियल में होगा, ये वाला लोअर पोटेंशियल में होगा। यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है तो सोर्स का डायरेक्शन आपको पोलैरिटी दिया हुआ है, प्लस और माइनस, ठीक है। इस चीज को और बढ़िया से समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि दिस इज माई ए पॉइंट और दिस इज माई सी पॉइंट और सी और डी के बीच पे मेरा एक ईएमएफ लगा हुआ है ना 8 वोल्ट का। तो दिस इज माई डी पॉइंट और डी से देखो यहाँ पे डी से बी पॉइंट के बीच पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये मैं ले लेता हूँ बी पॉइंट और यहाँ पे बी के तरफ करंट आ रहा है। ये जो करंट का डायरेक्शन है वो बी नोड के तरफ है या फिर यहां से नहीं यहाँ पे दिया जाए, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा एक ए मीटर दिखा रहा है जिसका डायरेक्शन किधर है, बी की तरफ है 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर करंट इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखो ये हो गया वी ए और ये हो गया मेरा वी बी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लो केवीएल आप लगा सकते हो यहाँ पे। कैसे लगाएंगे, ये नोड प्लस ये माइनस, ये डी वाला पॉइंट क्या था माइनस, डी वाला पॉइंट था प्लस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। यहाँ पे पकड़ लो एक पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो पोटेंशियल ड्रॉप मेरा ई है। अब ई बी ए को हम मैंने प्लस की तरफ लिया है, बी बी को माइनस लिया है, आपके ऊपर है बी बी को प्लस ले लो बी ए को माइनस ले लो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि साइन पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। अगर ई मैं ले रहा हूँ और ई बोल रहा हूँ कि बी ए माइनस बी बी कि ए हायर पोटेंशियल पे है और बी मेरा लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे इस पॉइंट से शुरू करते हैं और इधर जाते हैं तो पहला मिल जाए मुझको क्या, ए पॉइंट से ए नोड से सी नोड के बीच पे कितना ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप है ना, ड्रॉप इन पोटेंशियल, तो माइनस 3.75 इतना वोल्ट हो गया। फिर सी से डी की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूं तो क्या देख रहा हूं कि माइनस 8 वोल्ट, यहाँ पे भी ड्रॉप है, फॉल इन पोटेंशियल है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो फॉल इन पोटेंशियल माइनस 8। फिर यहाँ पे देखो तो प्लस मिल रहा है 15, राइज इन पोटेंशियल प्लस 15। फिर इस नोड पे आना है ना तो इस तरफ से आना है, जब मैं आ रहा हूं इधर से तो मैं देख रहा हूं कि राइज इन पोटेंशियल की फॉल इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल, और राइज इन पोटेंशियल होता है मेरा प्लस, तो राइज इन पोटेंशियल प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए था, हमने लास्ट में डायरेक्टली ई इक्वल टू इतना लिख दिया था। समझ में आया कहाँ पे गलती हो गया था, यस सर। लास्ट में क्या कर दिया कि ई इक्वल टू इतना लिख दिया जबकि होना चाहिए था माइनस ई इक्वल टू, है ना। तो ये अगर निकलेगा अभी तो अभी देखो ये तो था कितना प्लस 3.25 निकलेगा प्लस ई इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3.25 वोल्ट। तो मैंने बोला था ना कल कि यार किताब में तो गलत
नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे हम कुछ मिस कर गए थे, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था। अगर हम इसको बी ए और बी बी को, अच्छा एक और एक चीज यहाँ पे देखो, अगर मेरा ई इज इक्वल टू माइनस 3.25 निकल रहा है तो हमने क्या पकड़ा, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस 3.25। तो मेरे को बताओ कि ये बी ए हायर पोटेंशियल पे है कि बी बी हायर पोटेंशियल पे है, बी ए हायर बी बी हायर पोटेंशियल पे है, तो बी बी, हाँ तो बी बी मेरा हायर पोटेंशियल पे है और बी ए लोअर पोटेंशियल पे है, मतलब यहाँ पे जो हमने ईएमएफ का डायरेक्शन लिया था वो उल्टा हो गया, ऐसा लेना चाहिए था, है ना। तो बैटरी को चेंज करेंगे, समझ में आया बात, समझ में आया? Yes, sir. और अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम इसको ऐसे सीधा ही लेते तो क्या निकलता, देखते हैं कि ई का डायरेक्शन जो है, हम अगर बोलते, हम एज्यूम कर लेते कि बी बी ही मेरा हायर पोटेंशियल पे है और बी ए मेरा लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्या निकलता। तो मेरा यहाँ पे ई ई का वैल्यू देखो, ई कितना हो जाता, बड़ा सर E will be equal to your B B, हाँ शांति एक मिनट, B B minus B A होता तब, है ना, अगर मैं B B को ही higher potential पकड़ लेता तो B B minus B A होता, और जब हम move कर रहे इस equation पे तो B point से A की तरफ जा रहे होते तो क्या मिलता मुझको, fall in potential मिलता, और fall in potential क्या होता, फॉल इन पोटेंशियल आपका निगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, तो मुझको क्या मिलता है, यहाँ पे माइनस मिलता, माइनस मिलता तो 3.25 प्लस 3.25 मिलता, और बी बी माइनस बी ए इक्वल टू प्लस 3.25 मिलता, इसका मतलब बी बी आपका हायर पोटेंशियल पे मिलता मेरे को। तो हम एज्यूम क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है ना, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट बता देगा क्या कर रहे हैं, सिर्फ गलती मत करना, पूरा का पूरा इक्वेशन जब लिखो तो जिस पॉइंट से शुरू किए हो घूम के उसी पॉइंट पे आना है, लास्ट डे हम यहाँ से शुरू किए और यहाँ पे आके रुक गए और उसी को हम बोल रहे थे कि इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। सर स्थान कॉन्फ्यूजन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, जैसे कि अभी सर आपने कहा बी वी हो गया हायर पोटेंशियल में और वी ए लोअर पोटेंशियल में, इसमें मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। यार कंफ्यूज होने का क्या है, मैं बोल रहा हूँ जहां पे आपको पोटेंशियल का एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा कहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा कौन से नोट पे, आप एज्यूम कर लो अपने से, है ना, आप जब एज्यूम करके जब आप मूव करोगे उस लूप पे तो आपको इक्वेशन उसी हिसाब से बस लिखना है, क्या लिखना है कि राइज इन पोटेंशियल प्लस लिख दो, फॉल इन पोटेंशियल को माइनस लिखो, और हर एक ब्रांच पे दो नोड के बीच में जितना पोटेंशियल आपको मिलता है वो सारा आप उस इक्वेशन पे डालते जाओ लेफ्ट साइड में, रूल वही मेंटेन करना है कि राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव, आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा इक्वेशन क्या हो रहा है। मैंने दोनों तरीके से किया है कि अगर मैं बी ए को हायर पोटेंशियल मान के करता हूँ तब भी जो आ रहा है, बी बी को अगर हायर पोटेंशियल मान के चल रहा हूँ तब भी रिजल्ट वही आ रहा है, ठीक है। चलो और दो चार करेंगे ना तब जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बस। अच्छा और किसी को डाउट है तो बताओ, शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? यस सर, एक बार फिर से करें, करवा दीजिए सर, एक बार फिर से करते हैं, चलो ठीक है। एक बार फिर से
ये था, अरे तो ये था अपना सर्किट, हमको निकालना था, एक मिनट चेक पे कुछ हो गया, अच्छा ठीक है सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, हमको निकालना था कि भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, बी ए माइनस बी बी का वैल्यू निकालना था, ठीक है धीरे धीरे बोलूँ, बी ए माइनस बी बी कितना है वो निकालना, केबीएल लगाते हैं, तो ए पॉइंट से जब मैं शुरू कर रहा हूं इस सर्किट को, तो पहले मुझको एक 3 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा था, फिर सी नोड पे आए, सी नोड से यहाँ पे बीच में मेरे को एक बैटरी सोर्स दिखाई दिया, और सी से डी के बीच में था, डी नोड से मुझको एक 3 ओम का और एक रेजिस्टर दिखाई दिया जो बी नोड को कनेक्ट कर रहा था, और सवाल यह है कि ए और बी नोड पे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। नाउ ए और बी कनेक्टेड तो है नहीं, तो हमको वहां पे एक वोल्ट मीटर लगा के चेक करना है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा। बाकी जो दोनों साइड का सर्किट है वो सर्किट सिर्फ एक सिंगल वायर से कनेक्टेड दिख रहा है मुझको, दोनों लूप, इधर में 10 वोल्ट का एक सोर्स और इस साइड में एक करंट सोर्स 5 एम्पियर का, ये दोनों जो कनेक्टेड है, दोनों लूप, ये लूप कनेक्टेड है सिंगल वायर से, इसका मतलब कि इस लूप से जो करंट पास कर रही होगी वो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, और ये 5 एम्पियर का जो करंट पास कर रहा होगा सेकेंड लूप पे वो मेरे पहले लूप पे नहीं आ रहा है, रिटर्न पाथ है नहीं तो फिर करंट क्यों फ्लो करेगा उधर, है ना, रिटर्न पाथ नहीं है मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो उधर करंट जाएगा नहीं, करंट विल सीक द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, यहाँ पे इतना समझ में आया। अब हमारा यहाँ पे 5 ओम था, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे मेरा 4 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, आपको निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, तो हम क्या किया, इस नोड को बोल दिया वी ए, इस नोड का पोटेंशियल को बोला वी बी, अब वी ए माइनस वी बी कितना होगा, वो होगा कि यहाँ पे वी ए सी जितना पोटेंशियल है प्लस बी सी डी जितना पोटेंशियल है प्लस बी डी बी जितना पोटेंशियल है, तो तीनों पोटेंशियल को प्लस करेंगे तो मुझको मिलना चाहिए कि ए और बी नोड पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो मिलना चाहिए मुझको, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एक सर्किट पे, किसी भी एक लूप पे जब आप पूरा का पूरा घूम के आते हो उसी पॉइंट पे, तो आपको क्या मिलता है, टोटल सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड सम ऑफ द ईएमएफ्स इज इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए ना, कि इस पॉइंट से हमने शुरू किया और घूम के अगर मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ तो पोटेंशियल जो मिलेगा मुझको, पोटेंशियल ड्रॉप, वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी जीरो, क्योंकि उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ तो सेम पोटेंशियल पे आ रहा हूं मैं, बी ए माइनस बी ए हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए नोड पे बी ए बोल रहा हूं, बी नोड पे मेरा बी बी बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं चलो ठीक है कि ए जो है ए पॉइंट वो हायर पोटेंशियल पे है, बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है, सो बी ए माइनस बी बी बोल रहा हूं। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया था आपको कि ए से एक रजिस्टर आया और सीधा कर दिया, ये टेढ़ा देखने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो इसको सीधा कर दिया कि यहाँ से डी पॉइंट पे आया सी पॉइंट से और डी से बी पॉइंट पे चला गया, तो ये आ गया मेरा ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट,
इतना तो समझ में आ गया है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेम सर्किट ही है ना भाई। डी से बाहर की तरफ करंट जा रहा है, यहां तक सबको पूरा क्लियर है? यस सर, यस सर। अभी बोल रहा हूं कि ये जब हम किर्चॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे यहाँ पे, तो इस ए पॉइंट से शुरू करेंगे, आप इधर घूमो, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आपके ऊपर है। तो एक बार एक काम करते हैं, इस बार मैं उल्टा घूमता हूँ, बी पॉइंट से शुरू करता हूँ और फिर से घूम के बी पॉइंट पे जाता हूँ, देखते हैं कि किर्चॉफ वोल्टेज लॉ हमको सेम रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो कैलकुलेशन से हमने ये निकाला था, यहाँ पे कितना था 5 ओम और यहाँ पे 3 ओम, मतलब जो करंट इस लूप पे बहेगी वो करंट कितना होगा 10/8, जिसका रिजल्ट आएगा 1.25। और करंट अगर इस लूप पे जा रही है इस डायरेक्शन पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो ये हमको समझ में आया। फिर इस लूप पे हमने देखा कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो हायर पोटेंशियल इधर होगा, लोअर पोटेंशियल डी की तरफ होगा, यही तो होगा। हाँ, तो ये साइन मिल गए, यहाँ पे इस पोटेंशियल का भी साइन मिल गया है, इधर प्लस है इधर माइनस है। अब हम कैसे मूव कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम ए टू बी गए थे, अब बी टू ए जा रहे हैं, देखते हैं सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो बी से जब मूव किए तो पहले मिला आपको ये वाला रेजिस्टर 3 ओम, और यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है, 15 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा 15 वोल्ट, क्योंकि 5 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज होगा 3 ओम पे ड्रॉप होगा बी इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब 3 × 5 मतलब 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो। अब बताओ ये 15 वोल्ट हम प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? माइनस माइनस, फॉल इन पोटेंशियल मतलब माइनस माइनस 15। फिर यहाँ पे ये 8 वोल्ट है, इसको प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखोगे? राइज इन पोटेंशियल है, प्लस 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 8 वोल्ट। फिर इधर देखो ये 3 ओम है, प्लस है कि माइनस है? प्लस होगा। अब यहाँ पे ए टू बी, फिर से बी पॉइंट पे आना है ना मेरे को, ए पॉइंट पे तो रुक नहीं सकता हूँ, ए और बी के बीच पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है, तो यहाँ पे मैं इसको ई से डिनोट कर देता हूँ। अभी आप बताओ, मैं बी पॉइंट को प्लस लू कि ए पॉइंट को प्लस लू, आपके ऊपर है, एनीबॉडी? बी प्लस ए माइनस, B प्लस ए माइनस। तो आपको क्या दिख रहा है, राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है कि फॉल इन पोटेंशियल दिख रहा है? आप ऐसे घूम के आ रहे हो तो माइनस टू प्लस जा रहे हो, मतलब राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल तो क्या होगा, प्लस हो गया ना, प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, सेम पॉइंट पे आ गए, तो सम पूरा सारा ईएमएफ का सम हो जाएगा जीरो, जितना ईएमएफ सोर्स दे रहा होगा और जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा सबको मिला हो तो जीरो उसी पॉइंट पे आके मिलना है। अब कितना आता है आपका, E इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3.75 था ना, 3.75, सो माइनस 15 और प्लस 3.75 प्लस 8 माइनस 3.25 मिला इज इक्वल टू जीरो, तो ये कितना आया, ये आया आपका 3.25, और आपने क्या निकाला था 3.25, बी बी को आपने पॉजिटिव पकड़ा और ए को निगेटिव पकड़ा, मतलब ई इक्वल टू व्हाट, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 3.25, आपको निकालना था बी ए माइनस बी बी, तो बी ए माइनस बी बी कितना होगा, माइनस 3.25, क्योंकि ये आपका लोअर पोटेंशियल पे, सेम चीज मिला आपको घूम फिर के। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, अभी क्लियर हुआ। तो हम कुछ भी पकड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
आपको सिर्फ जब भी आपको अननोन नोड मिलेगा आप उसमें एज्यूम कर लो कि भाई यहाँ पे मैं एक पोटेंशियल ले लेता हूँ बी ए, दूसरा नोड है बी बी, और फिर आप घूमो सर्किट पे एक डायरेक्शन से घूमना और एक ही लॉ फॉलो करना, या तो राइजिंग पोटेंशियल को पॉजिटिव लो या फिर राइजिंग पोटेंशियल को निगेटिव लो। अगर राइजिंग पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हो तो फॉल इन पोटेंशियल को निगेटिव लेना, और कोई बात सोचने वाली है ही नहीं, सर्किट सॉल्व होगा ही होगा। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा एग्जाम में। बेटर है कि आप जितना हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करो, टेस्ट दूंगा असाइनमेंट दूंगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव राइजिंग पोटेंशियल एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉल इन पोटेंशियल। हाँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो फॉल इन राइजिंग पोटेंशियल होगा। हाँ सर, पॉजिटिव किसको बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं हायर पोटेंशियल को, हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, लोअर पोटेंशियल को हम निगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम मैं माइनस टू प्लस जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? जब मैं माइनस टू प्लस मूव कर रहा हूं तो ये राइजिंग पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में। करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें? ऐसे करंट फ्लो करेगा, करंट जब फ्लो करेगा तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो रजिस्टर अगर होगा तो इस साइड प्लस होगा, इस साइड माइनस होगा। ठीक है, तो रजिस्टर में क्या देख रहा हूं मैं? फॉलिंग पोटेंशियल। बैटरी में क्या देख रहा हूं? राइजिंग पोटेंशियल। एम आई क्लियर? यस सर। ओके सर, वर्तमान हाँ, और कोई दो चार नेटवर्क सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा बेटर। अब आज आज नहीं करेंगे, 9 बज गया है, आज मैं इसका सवाल का जवाब दे देता हूँ। कोई सवाल किया था ना शुरुआत पे? हाँ, टाइम वेरियल कौन पूछा था? अभिनव उज्जवल। ओके, सो देखो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट ये क्या होता है बताओ? टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, एनीबॉडी? जो टाइम के साथ वेरी करता है। टाइम वेरिएंट बात है, नाम से ही पता चल रहा है। टाइम वेरिएंट मतलब क्या है? कि वो नेटवर्क जिसका जो आपका क्या कहते हैं इसको, जो रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और टाइम इनवेरिएंट में रेस्पॉन्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो नेटवर्क है, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं उसको देखो। सबसे पहले तो लिखो कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क और सर्किट एलिमेंट। जो सर्किट एलिमेंट से एक नेटवर्क के पे क्या है, आपके बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, सोर्सेस लगे हुए हैं, करंट सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, ओपेम होगा, बीजेटी होगा, तो अलग अलग एलिमेंट्स लगे हुए है ना। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेटवर्क एलिमेंट हम नेटवर्क को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बताओ? तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला आप बोलोगे या तो वो नेटवर्क एक्टिव होगा और पैसिव होगा, या तो नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा या फिर पैसिव नेटवर्क कहलाएगा।
एक्टिव नेटवर्क कब कहेंगे? एक्टिव नेटवर्क कब कहेंगे? जब व्हेन देयर इज ओनली वन एक्टिव एलिमेंट, जब उस नेटवर्क में कोई ना कोई एक सोर्स एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट है। अगर सोर्स नहीं है तो फिर वो नेटवर्क क्या होगा? पैसिव होगा। अगर सोर्स एलिमेंट है तो वो नेटवर्क एक्टिव कहलाएगा। दूसरा, हो सकता है वो नेटवर्क यूनिलेटरल हो या फिर बाइलेटरल हो। यूनिलेटरल नेटवर्क और बाइलेटरल नेटवर्क। यूनिलेटरल मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी करंट के फ्लो को, वो अगर आप सोर्स को घुमाते हो या फिर करंट के फ्लो के डायरेक्शन को घुमाते हो तो सेम रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी, उसको आप बोलते हैं यूनिलेटरल। बाइलेटरल, दोनों साइड से मूव करो तो रेजिस्टेंस आपका बराबर दिखा रहा है, वो होता है आपका बाइलेटरल। सो यूनिलेटरल बाइलेटरल हो सकता है। और तीसरा टाइप हो सकता है आपका लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो बेस्ड ऑन द सर्किट एलिमेंट्स और नेटवर्क एलिमेंट्स, हम ये तीन कैटेगरी में सर्किट को डिवाइड करते हैं, नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। कि लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है? लंप्ड मतलब अगर जो नेटवर्क एलिमेंट के प्रॉपर्टीज है, पकड़ लो आपका रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, वो लंप्ड है। जैसे आपका पीसीबी बोर्ड पे लगा हुआ है जिसको आप आइसो कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो अलग अलग कंपोनेंट्स, तो वो होगा लंप्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरा ट्रांसमिशन लाइन ले लो, उसका कैपेसिटेंस पकड़ लो, तो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ये तीन कैटेगरी कहाँ पे आए? बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेटवर्क एलिमेंट। हाँ बोलो सर। लंप मतलब क्या? मतलब उसमें चेंज नहीं होता है क्या? नहीं, लंप का, हाँ लंप का मतलब है टाइम के साथ उसमें का रेजिस्टेंस जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू आपका चेंज नहीं हो रहा है। आप पकड़ लो एक पीसीबी बोर्ड है, उसका जो आप रजिस्टर लगा रहे हो, कैपेसिटर लगा रहे हो, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं लंप एलिमेंट्स। ट्रांसमिशन लाइन का जो वेरिएशन आएगा दैट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर्टीज होगा एलिमेंट का, है ना। कि ट्रांसमिशन लाइन का अगर पकड़ लो, एक लाइन है, एक पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन है, और उसमें जो कैपेसिटेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो दैट इज ओवरऑल पूरा का पूरा लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर सर? लंप बोली कोले सर, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तो होबो नै बर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जे लंप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तो कैपेसिटिव तो हेगा इग्नोर करा होय सके? नहीं, लंप हम बोलते हैं, अब वो जो सवाल है उसको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझको लगता है या फिर मेरे को पता है, लंप का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जो हम सर्किट पे लगा रहे हैं, मोटा मोटा गोटा टुकड़ा, कि आप इसको चेंज कर दो, उठाओ निकालो चेंज कर दो, है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरा का पूरा सर्किट पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं पा रहे हो उसे। ठीक है, जो मुझे डायोड तो पैसिव एक्टिव एलिमेंट होगा सर। डायोड डायोड लंप में लंप से शॉर्ट ट्रांसमिशन में भी तो सर हमारी रेजिस्टेंस रहेगा सर, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तो लंप नहीं हो पाएगा सर। मेरे हिसाब से लंप नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन का जो भी एलिमेंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कैपेसिटेंस आपका शॉर्ट हो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, दैट्स कंप्लीटली फ्रॉम माय ओपिनियन। आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि गलत चीज बोल देना गलत हो जाएगा। तो स्पेसिफिक सवाल का मेरे को पूरा श्योर नहीं, बट ट्रांसमिशन लाइन है तो फिर शॉर्ट हो लॉन्ग हो उसमें क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। एक बार मार के देख ही लेते हैं ना, ये गूगल भाई साहब क्यों बैठा हुआ। शॉर्ट ट्रांसमिशन मारो ना यार, लाइन लंप्ड
देखो क्या बोल रहा है गूगल कि ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग इट्स लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर इज कंसीडर्ड एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ स्मॉल लीकेज करंट एंड अदर पैरामीटर्स आर लम्प्ड इन ट्रांसमिशन लाइन. अच्छा जी capacitance is neglected because of small leakage current and other parameters resistance inductance are lumped in the transmission line. तो short transmission line पे lump पकड़ रहे हैं ठीक है इसलिए मैंने बोला यार गलत बाद में बोलोगे कि सर गलत सिखा दिया देख लेना सही है जहाँ पे confusion हो. Thank you, क्या कर रहा है short transmission line पे आपका जो लीकेज रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटेंस है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है इसीलिए लम्प नेटवर्क बोल रहे हैं इसको ठीक है. तो ये पॉइंट नोट करके रख लेना. नेक्स्ट होता है आपका बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स of the network. Response of the network for different excitation. कि response कैसे कर रहा है different excitation पे वो network कैसे response कर रहा है उसके ऊपर depend करके हम क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर वन लीनियर और नॉन लीनियर दूसरा टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट है ना. तो या तो लीनियर नॉन लीनियर बोलेंगे कि रेस्पॉन्स कैसा है भाई उस सर्किट का नेटवर्क का क्या लीनियर रिलेशनशिप है. आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो करंट का जो वेरिएशन हो रहा है क्या वो लीनियर इक्वेशन में आ रहा है कि नॉन लीनियर आ रहा है तो उसके हिसाब से आप नेटवर्क को क्लासिफाई करोगे या फिर कि समय के साथ वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर समय के साथ आपका वेरिएशन है पैरामीटर्स का then it will be your time variant और अगर variation नहीं है तो ये क्या हो जाएगा time invariant. DC voltage source time invariant AC voltage source time variant source ठीक है. Yes sir am I clear now. तो ये पांच type के ही network आपको देखने को मिलेंगे. नेटवर्क को क्लासिफाई करना है तो पांच तरीके से कर सकते हैं. इसमें देखो एक्टिव पैसिव बता दिया मैंने यूनिलेटरल बाइलेटरल समझा दिया. लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में जो थोड़ा कंफ्यूजन निकला क्या कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लम्प्ड पकड़ते हैं क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है उसको इग्नोर कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी निकलेगी जिसको लिख के रख लेना बेटर है कि कहाँ पे क्या कंसिडरेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो सारी टेक्निकलिटी आती रहती है ठीक है. और जब हम रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो या तो लीनियर और नॉन लीनियर होता है या फिर टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क होता है. क्लियर. यस सर. यस ओके. टाइम क्या हुआ सबको समझ में आया. यस सर. ओके. सो आज मैंने फिर से वो टेस्ट जो लास्ट डे टेस्ट दिया था उसको फिर से लाइव किया है. टेस्ट रहेगा आपके साथ. काइंडली अटेम्प्ट द टेस्ट. जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा. अल्टीमेट मोटो क्या है कि आप लोगों को सीखना है आप लोगों को वो चीजें समझना है और एग्जाम्स में नंबर लाने हैं भाई है ना. सर तो टेस्ट तो दिया पर टेस्ट तो तार सेव हो जाएगी वो नहीं आटो ही जाओगे की वस्तु
টেস্ট টু জেনেবা দিলু আমি তাই টেস্ট টু হেতো তাত সেভ হৈ থাকিব নে আটৰি যাব টেস্ট টু দিয়া পাছত টেস্ট টু থাকিব তোমাৰ ঠিক আছে বাইদেউ মানে লিখি লব লাগিব উসকো মে अगर चाहे तो मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ कि आप लोग तो जितना बार मर्जी उतना बार अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट, तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वो रिपीटेडली बीच बीच में दूंगा। ऐसे मैं अगर रख दूं ना यहाँ पे 100 टेस्ट रख सकता हूँ, आप में से कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा और उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। आपको स्पेसिफिकली मैं ड्रैग करके लेके चलता हूँ कि यार इसको इस टाइम पे कर लेना है तो वो दे दो टेस्ट, है ना। एंड जितने सारे वीडियोस दिए हुए हैं, काइंडली जो लोग नए ज्वाइन किए हो, जिन्होंने पुराना वीडियोस नहीं देखा है, आपका जो लेक्चर चल रहा है उसका भी वीडियोस देखो, जो पुराना वीडियोस है वो भी देखो। सेम टाइप का लेक्चर में बीच बीच में कुछ नया चीजें निकल के आता है, ठीक है, जितना बार देखोगे उतना बेटर रहेगा। और चीजों को कलेक्टिवली एक जगह पे आप अपने हिसाब से नोट बना के रख लो। यार यू पीपल आर नॉट किड्स की आपको डिक्टेट किया जाए और आप नोट्स लिखो, उस टाइप से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे ना तो एक साल भी कम पड़ेगा, ये पूरा कोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं सिलेबस कवर करने के लिए दौड़ पढ़ू ना तो मैं वो फिर बेटर है कि आप यूट्यूब से आन अकेडमी का कोई भी एक ये देख लो, उसी में मिल जाएगा, क्योंकि लेक्चर तो बहुत अच्छा अच्छा देखे रखा है ना लोग। हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, सीखना है, आपको घिस घिस के लेके जाना है, आपके हिसाब से चलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, बाय बाय सर। क्या हो गया सर? टेस्ट का वो कार्डियक आंसर मिल जाता तो सर, मतलब जो रॉन्ग आंसर हो गया उसका कैसे लड़ेंगे? अगर ऑप्शन मिल जाता आंसर कौन सा है? क्लियर नहीं हुआ आपका आवाज सर? वो टेस्ट हम लोग दे रहे हैं ना, तो उसका सर मतलब सर आंसर गलत हो गया तो उसको सुधारने के लिए सर उसका करेक्ट आंसर अगर मिल जाता टेस्ट। देखो टेस्ट का रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा, आप बी सॉल्यूशंस में जाओगे तो फिर राइट आंसर आपको बता देगा, ठीक है। और जहां तक मुझसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने बताया ना यार वन मैन शो है, तो जितना हो सकता है मैं उसका सॉल्यूशन डालता हूँ। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आप कहाँ गलती किए हो, करके नहीं हो रहा है, तो फिर आप मुझको चैट पे भेज दो कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, आई विल गिव यू दैट वन, ठीक है, सॉल्व करके। जो नहीं हो पा रहा है वो भेज दो, मैं करके देता हूँ, ठीक है अब, ओके। एंड जो सारे वीडियोस दूंगा काइंडली वॉच देम राइटली, ऐसा नहीं है कि स्किप करके चले जाओ, बहुत ही जरूरी चीज है। आप लोगों को अभी समझ में ही नहीं आ रहा होगा, हमको बहुत सारी जगह पे काम करना है, एटीट्यूड बिल्डिंग पे काम करना है, चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा मेरे साथ रहोगे तो, और वो जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता ना, नजरिया अगर मायने नहीं रखता तो हर कोई एलिजिबल होता, हर कोई पास कर रहा होता और हर किसी का सैलरी बहुत हाई होता, ऐसा नहीं होता। ये सर अपने बोलो सर, यूट्यूबर दिया वीडियो खिने तो तार से ना अपने यूट्यूबर तो एटिया रिकॉर्डिंग क्लास तो दी दिए। YouTube में अभी चल रहा है, लेकिन YouTube में सारा वीडियोस नहीं देंगे यार, हम लोग आन अकेडमी जैसा नहीं चल सकते हैं, सीधा बात मैंने बोला है पहले भी। ओके ओके सर, तो कुछ देर तक हम चलाते हैं क्योंकि लोगों को कुछ चीजें फ्री रख सकते हैं, कुछ चीजें प्राइम मेंबर्स के लिए, और प्राइम मेंबर्स कितना पैसा ले रहे हैं हम लोग, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट। लेकिन अगर आपको बिजनेस नहीं चलाना आता है तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, और सरवाइव नहीं कर पाओगे तो फिर आपको कंटेंट भी नहीं मिलेगा, है ना। तो रेवेन्यू जनरेट करना है, सबका काम वही है। लोग एडटेक में क्या होता है कि 1000 crores का फंडिंग लेते हैं, बहुत बढ़िया मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, सबका बहुत बढ़िया सैलरी होता है, वो लोग कर लेते हैं, उनका एक तरीका होता है। और आज के डेट पे हमारे जैसे लोगों का क्या होगा, हम लोग ना तो फंडिंग लाते हैं
और फंडिंग अगर लाएंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन भी उतना ही बढ़ेगा दाम, कि एक एक छह महीने का पैकेज आपको 30,000-35,000 में मिलेगा, जो हम पहले करते थे ऑफलाइन में करते थे मेनली, ऑनलाइन में करा रहे हैं तो ठीक है ना। आप हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, आपका आपसे एक एक आदमी से कम पैसा लेंगे, वो दूसरा तरीका हो सकता है। बस इतना है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर मैं मेरा एफर्ट अगर सही लगता है, मैं अगर आपको कंटेंट दे पा रहा हूँ और इससे अगर आपका बेनिफिट होता है तो शेयर करो लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से शेयर करो कि भाई आओ अपना भी बनाओ हमारा भी बने, है ना, सो देट हम भी आपके लिए काम कर सके, आप लोग हमारे लिए काम करो। ओके फॉर टाइम बीइंग बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।